Ma'am. Hello. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Sagita. Hindi restaurant ko kita ni di aplo. Okay, ma'am. Halo. Hindi ba? Isko kya kara rahe the aap logo ko? Sangya padha diye the aap? Na? Kya wala sab kya tha? Aap aur sikha kya tha iski exercise karne ki yahi na? चलिए पेज नंबर 19 का लीजिए ठीक है बच्चों यस मैम निकाल लिया खोल लिया मैम पेज नंबर बोलो तो बेटा पेज नंबर 19 निकाल लिए सबने चलिए मिल गया सबको देखेंगे ये वाला है सबको मिल गया मैम आपके फोटो नहीं मैम फोटो नहीं है बेटा उसमें से वो करो स्लाइड करके जहाँ पे डिवाइन हार्ट आ रहा है उस पे क्लिक करो आ जाएगी डबल टिप डबल टैप करो आ जाएगा चले स्टार्ट करें आ गए बच्चों बोलो बेटा बोलिए आचार अनुष्ठान अर्पित अवनीश यादव बताओ बेटा आगे मैम क्या एक्सरसाइज कराएं बेटा यस मैम चलिए पहला है आपका कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना मतलब आपके सामने वाक्य पूछा गया है उस पर सही का चिन्ह लगाना कि सही है या गलत है पहला है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पहला क्या है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पशु बचपन ताजमहल के मुंबई क्या है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण मुंबई बताओ मुंबई तुक्का ना मारो तुक्का मत मारो पहले ये बताओ जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं पशु पशु पहले हमने जो पूछा वो बताओ जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं मैम बताइए किसी भी शब्द जिस शब्द से हम किसी भी जाति या वस्तु वर्ग के सभी अर्पित कुमार अर्पित स्थानों के स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ये बताओ हमारी आवाज आ रही है ना यस मैम अब सुनिए एक लाइन में आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो आपका क्या होगा कि किसी भी वर्ग के समूह की जब बात की जाती है किसी एक जाति या समूह की बात की जाती है चाहे वो व्यक्तियों की हो चाहे प्राणियों की हो चाहे वस्तुओं की हो चाहे जिस चीज की हो चाहे ठीक है तो आपको क्या बताना किसी एक वर्ग मतलब जब किसी एक समूह में कोई चीज आ जाती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ये बताया था आपको हमने बताइए ये बताया गया था कि नहीं आपको यस मैम तो अब क्या है इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें पहले में वेरी गुड पहला क्या होगा सांप का पहला पशु इसके सामने टिक कर लो
तो दूसरा है गंगा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। जो गंगा है यहाँ जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं मैम, कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी गुड, गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इसमें नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? नदी का। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाकी बच्चे कुछ भी नहीं बता पा रहे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं है सही से। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जो किसी एक का नाम उसमें दे दिया जाता है, चाहे वह वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे आपके प्राणी हो। लेकिन जातिवाचक यहीं पे अगर नदी कहता कि नदी कौन सी संज्ञा है, नदी किस प्रकार की संज्ञा है, तब वहां पे क्या हो जाता आप लोगों का? तब वहां पे होता आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थर्ड है कि जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण या दशा का बोध हो उन्हें कैसी संज्ञा कहते हैं? संज्ञा कहलाती है। क्या कह रही हो? बोलो आचल, क्या कह रही हो? मैम, हाँ बोलो बेटा, आगे मैम के आगे तो बोलो। इसको लिखे जो बोर्ड में लिखे हैं। पहले बुक है ना आपके पास, उसमें कुछ करो। सभी के पास यहाँ पे बुक है ना? यस मैम। पहले बुक में देख लीजिए सभी लोग, फिर बताएंगे क्या क्या करना है कॉपी में। चले मैम, आपका खा है, इसको रब करें। ये हो गया सभी काम। मैम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, बुक में टिक हो गया ये वाला। मैं चाहिए वाला। यस मैम। बेटा होल्डिंग चैप्टर का नाम बताओ। मेरा चैप्टर तक पूरा कॉपी में भी हो गया। बेटा चैप्टर का नाम डला है शांभवी, आप उससे भी खोज सकती हो कि कौन सा करा रहे हैं। पूरा चीज हमने कहा भी दिया है, आप उससे भी पूछ रही हो एक्सरसाइज कौन सी। ठीक है शांभवी, थर्ड क्लास में आई हो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाया तो। शांभवी, सांभवी मिल गया पेज नंबर 19 पर? मिला कि नहीं मिला? मैम मिल गया। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। फिर है आपका है कि सही या गलत का निशान लगाइए। आपसे क्या पूछा गया है? सही या गलत का तो क्या करना है? निशान लगाना है। पहला पूछा गया है नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, सही है या गलत? सही, मैम सही है। मैम सही है। तो पहले का क्या हो जाएगा आपका? सही। सही। दूसरा है
शेर एक प्राणी का नाम है, शेर एक प्राणी का नाम है। सही होगा, सही है, गलत है, सही है, सही है मैम, सही है। क्यों मैम आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है, किसे नहीं आ रही है? बोलो किसको किसको नहीं आ रही है? मैम मुझे आ रही है। बेटा सभी को आ रही है? यस मैम। हम भी अपना माइक सही करो बेटा। अर्पित कुमार मैम आवाज नहीं आ रही है, माइक सही करो बेटा। अर्पित मैम आवाज नहीं आ रही। किसे नहीं आ रही आवाज? अनुष्का, अर्पित, शांभवी, अवनीश, अदिति, आवाज नहीं आ रही बेटा? मैम आ रही है। शांभवी क्लास, शांभवी क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए बेटा, रिमूव होके फिर से ज्वाइन करो, क्लास मत डिस्टर्ब करो, बाकी बच्चों को आ रही आवाज? मैम आवाज नहीं आ रही। अर्पित कुमार, अर्पित, यस मैम, आपने कैसे कहा कि शेर एक प्राणी नहीं है? एम है। नहीं, अर्पित से पूछ रहे हैं, उसने कहा ना कैसे है? आपके पेज नंबर 17 में देखिए, प्राणियों के नाम में शेर का नाम है कि नहीं? अर्पित, यस मैम है, है ना? यस मैम। अर्पित कुमार बेटा आप बोलिए। मैम है, है ना? तब फिर चलिए ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, झूला एक वस्तु का नाम है? यस मैम, सही है। बुढ़ापा एक व्यक्ति का नाम है? सही है। सही कि गलत? गलत। वेरी गुड, गलत। बुढ़ापा एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? वाओ, क्या कभी सुने हो कि व्यक्ति का नाम है बुढ़ापा? No, okay. फिर आपका लास्ट इफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कौन घर में कंटिन्यू बात कर रहा है? पूरे टाइम क्लास में इस टाइम कौन बात कर रहा है बता दीजिए, क्योंकि हम एक बार इग्नोर कर दिए, दो बार, लेकिन कंटिन्यू आप लोग कोई बात कर रहा है, कौन है? आपसे तो आपके घर में बात किया जा रहा है। बेटा 40 मिनट की क्लास होती है, कम से कम 40 मिनट आप इत्मीनान से शांति से तो बैठ सकते हो, फिर उसके बाद आप बात कीजिए, क्योंकि हम डिस्टर्ब होते हैं ना, हमको नहीं समझ में आ रहा कौन बच्चा बोल रहा है कौन बच्चा नहीं बोल रहा है, ठीक है? आपकी 40 मिनट की क्लास होती है, 40 मिनट थोड़ा शांति से बैठ के पढ़ लिया कीजिए। और थोड़ा जो घर वाले भी हैं थोड़ा सा इसमें सपोर्ट किया करें, थोड़ा सा दूरी बनाएं, हमें पता है घर में बात होगी, लेकिन जहां बच्चा पढ़ रहा है वहां थोड़ा हट के बोलिए आप लोग, ठीक है? चलिए लास्ट है आपका, मिठास एक भाव का नाम है? सही है। इसको कर लो बुक पे। मैम कर लिया। कौन लिखना? फिर आपका दा है, सही शब्द लिख कर खाली स्थान भरिए। सब नहीं बोलेंगे इसमें, इसमें सब नहीं बोलेंगे, ठीक है?
ईला लिखना है या ईला? मैम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ ईला बता। चल बात करना बंद करे बेटा, हम अभी बोले हैं सबसे, आप बात कर रहे हो, क्या बात हो रही है? पाठ है। चलो पहला है आपका अर्पित। यस मैम। पहला आपका है डैश जंगल का राजा है शेर। मैम शेर। शेर पहले वाले में क्या हो जाएगा? शेर। दूसरा है आपका रात के समय आकाश में डैश निकलता है। रात के आकाश में डैश निकलता है क्या? तारा। कितने लोग कह रहे तारा, कितने लोग कह रहे चांद? मैं कह रहा हूँ चांद। अच्छा किस वोट किया जाए, कितने लोगों की संख्या ज्यादा है? अनुष्का आप बताइए क्या कह रही, चांद की तारा? मैम चांद। अनुष्का का कहना है चांद। अर्पित आप बताइए? चांद। 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 अदिति मौर्या? तारा। आंचल? बताइए क्या निकलता रात के समय आकाश में? चांद। तारा। चांद। यहाँ पे बराबर हो गया, दो दो लोग हो गए। अब क्या कर रही है? अब क्या करें बताओ? तारा निकलता है। ठीक, तारा जिसने बोला था वो सही है। फिर उसके बाद अनुष्का? यस मैम। डैश बर्तन बना रहा है कौन? थर्ड को बताइए। डैश बर्तन बना रहा है कौन? बर्तन बना रहा है अनुष्का? नहीं बोलो बेटा जल्दी, देखो बाकी लोग भी हैं, बोलो कोई कह रहे हम बताएं, तुम नहीं बताओगी कब तक हम रुके रहेंगे? मुझे नहीं पता। नहीं पता तुम्हें बेटा? मैं बताऊं? सही। अर्पित? यस मैम। बर्तन बना रहा है इसका क्या होगा? कुमार। वेरी गुड, तुम हो। ये तो बेटा नॉलेज वाली चीज है, ये आपको नहीं पता है कौन बर्तन बनाता है ना? फिर उसके बाद है यही अदिति मौर्य। यस मैम। आपका भी आंसर यही था? यस मैम। डैश हमें छाया देते हैं। मैम पेड़। पेड़ बात पेड़ होगा कि बादल होगा? बादल। बादल। कितने लोग बादल करते हैं? मैम पेड़। बादल। पेड़ बादल। पेड़ अर्पित कुमार, बादल तो बरसते भी हैं, बादल पानी भी तो बरसाता है, यहाँ पर पेड़ होगा। पेड़ होगा, मैं तो पेड़ पर कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अर्पित आई कैन डैश सारा दूध चट कर गई। मैम बिल्ली। बिल्ली।
पक्का बिल्ली है यहाँ पे सती होगा कि बिल्ली होगा मैम बिल्ली मैम बिल्ली मैम बिल्ली अदिति कह रहे की बिल्ली हम तो अदिति लिखने जा रहे हैं कितने लोगों का कहना थी मैम बिल्ली मैं बिल्ली कहूंगा मैम बिल्ली और अदिति की बिल्ली यहाँ पे क्या फील होगा बताइए जल्दी हमारा तो कहना अदिति मेरे तरफ कोई नहीं है मैं हूँ अदिति अदिति कौन कौन मेरी तरफ है यहाँ पे अदिति कौन मैं अर्पित अर्पित कह रहा हूँ बस एक ही बच्चा मेरे साइड है अनुष्का बताओ हमें साफ बताइए क्या लिखे यहाँ पे बिल्ली बिल्ली अनीश आप बोलो मैम बिल्ली बिल्ली वाले ज्यादा हो रहे हैं आज पे क्या करे बताओ बिल्ली लिख दे यस मैम यस मैम बिल्ली सारा दूध चट कर गई इसको लिख लो जल्दी से बुक में फिल कर लियो बाकी बच्चे आचल अमनीश जल्दी से करके बताइए बेटा दो मिनट का टाइम दे रहे हैं इसको करके बताओ जल्दी से मम्मा कर लिया ये कौन सी आवाज है हो गया सभी का यस मैम मेरा हो गया चलिए रख करें यस नीचे क्या लिख रहा है दिए गए वाक्यों में इसकी संज्ञा पद निकालो फिर आपको पूछा है लास्ट कि दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए पहला है आपका मत बोलिएगा ठीक है बेटा सभी लोग शांत रहेंगे हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा दादाजी ओके मैम दादाजी को हरियाली पसंद है मैं दादाजी होगा ना ना ये है आपका पेज नंबर 19 पे घा वाला दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए अनुष्का कुमारी यस मैम अनुष्का बताइए पहले वाले में इसमें संज्ञा शब्द क्या है दादाजी को हरियाली पसंद है बताओ अनुष्का जल्दी से बेटा मैम हरियाली हरियाली कितने लोग कह रहे हरियाली सही है मैं अर्पित अर्पित का कहना हरियाली सही है और किसका कहना है कि हरियाली सही है तो मैम दादाजी यहाँ पे बेटा दादाजी ये होगा बेटा ये गलत है हरियाली नहीं होगा दादाजी आपका संज्ञा होगा ठीक है तो इसके नीचे कैसे करोगे आप लोग लाइन खींच लोगे ऐसे करके लाइन खींचोगे ये गलत है चलिए सेकंड है अर्पित यस मैम दिल्ली भारत की राजधानी है मैम इसमें बताओ दिल्ली मैम दिल्ली दिल्ली कितने लोगों का कहना है दिल्ली मैम मेरा मैम मैं अर्पित अर्पित सही बताया आपने थर्ड क्या पूछते हैं
सचिन और राहुल क्रिकेट खेल रहे हैं। सचिन और राहुल, सचिन और राहुल होगा। और बच्चे भी खेल रहे क्रिकेट। क्रिकेट एक गेम का नाम है ना? अवनीश बोलो बेटा, क्या सचिन राहुल क्रिकेट खेल में इसमें क्या होगा? मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम सचिन और राहुल। ठीक, अब मत बताइएगा, आप अब बता दीना, अब मत हम बताए कीजिएगा, ठीक है? सुबह सुबह के समय आकाश में सूर्य आकाश। चलो अपनी अनीश की माइक ऑन करेंगे बेटा, माइक ऑन कीजिए बेटा, बताओ क्या होगा? हम करें मैम आकाश आकाश आकाश। अर्पित मत जाओगे, अर्पित मत बोलो, अनीश बताओ क्या होगा? सुबह के समय आकाश में सूर्य निकलता है, संख्या से होगी अवनीश बेटा जल्दी बोलिए आंसर। हम सूर्य। हम सूर्य। सूर्य कितने लोगों का कहना है सूर्य होगा? मैम कितने लोगों का? अर्पित आप बोलिए क्या होगा? मैम आकाश आकाश। दोनों होगा, बताइए हमको, वो दो की है ना, दोनों की बताए इसमें सब, बताइए क्या सही है, आकाश की सूर्य दोनों का कहना है। फाइनल कीजिए क्या होगा? आकाश। मैम आकाश। मैम सूर्य। आकाश मैम सूर्य। दोनों होगा। टिप्स आपका विभा को, विभा को आम बहुत पसंद है, इसमें बताइए क्या होता है? विभा मैम विधा और आम। विधा और आम। विधा और आम। विधा विधा और आम। ठीक, विधा और आम क्या होंगे? आकाश। अरे वो संज्ञा क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं है। ठीक, आप देखो क्या करना है, क्या कर लिए हो? उसमें से आपको सभी कॉपी में करना है, फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी, थर्ड फोर्थ पूरा, ठीक है? खा वाला भी गा घा सब आपको क्या करना है? कॉपी में करना है। इतनी चीज क्लियर है? कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है बताएं, सबको समझ में आ गया क्या करना है?
यस मैम बोलो आशा लवनीश अदिति यस मैम तो जो बच्चे ने किए इसको करिए तो बच्चे ये फोर्थ वाला जो है आपका इसको कर लीजिए ये है आपका कौन सा मैम मेरा हो चुका है इसको कर लो सभी लोग बाकी बच्चे जो नहीं किए उनकी बात कर रहे हैं मैम हाँ बोलो बुक में पहले बुक में करो हो गया सभी का बुक में करनी होगा आपका अब इसी को पूरा कॉपी में करना है आपको ठीक है बुक में करनी हो ना अब इसको पूरा कॉपी में अच्छे से हेडिंग डाल के लाइन खींच के सब अच्छे से काम करोगी ठीक समझ रही हो सभी को कह रहे हैं क्या आप लोग इसको करेंगे क्या यही कॉपी देखेंगे ना मैम हाँ जब काम आप लोगों का हो जाएगा कॉपी मंगवा के देखेंगे हाँ ओके मैम जहाँ तक पढ़ाया गया है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो पूरा काम और सुंदर लेखन वाले में भी आप लोग राइटिंग कर रहे हो कि नहीं मैम क्यों हम कह रहे हैं ना डेट वाइज करो मैम रोज एक एक पेज कॉपी में रोज एक एक पेज आपको करना है अच्छे से रात को मैम आज समय करूंगी मुझे पता नहीं सभी की बात कर रहे हैं करिए एक एक पेज करना पड़ेगा बेटी मैम हाँ इंग्लिश में अरबी क्या जो बताया समझ में आया कि नहीं आया कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग पढ़ते नहीं और फिर पढ़ाई करो ठीक है चलिए थैंक यू बच्चों थैंक यू मैम बाय बाय मैम बाय मैम